अब बात यूपी के करेंगे। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। थोड़ी देर में शुरू होगी तीसरे दिन की परीक्षा। परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंचे सभी अभ्यर्थी, यूपी के 67 जिलों के 1174 केंद्रों में परीक्षा हो रही है। 23 तारीख से परीक्षा शुरू हुई है, 31 अगस्त तक चलेगी और दो पाली में एग्जाम हो रहा है, मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट में, क्योंकि एग्जाम्स हो रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां पूरी की गई हैं, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, कोई नकल ना हो, इस बात पर खास तौर पर देखिए किस तरीके से नज़रें बनाए हुए हैं जो प्रशासन है और चेकिंग कड़ी की जा रही है। तो बस अब थोड़ी देर में परीक्षा शुरू होने वाली है। अब बसेस में, ट्रेन्स में भारी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो सफ़र करके पहुंच रहे हैं। तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं, आगरा, अयोध्या, मुरादाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, गाज़ियाबाद, वाराणसी, बरेली, मैनपुरी, नोएडा, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ और अलीगढ़ की ये तस्वीरें हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। आशुतोष ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आशुतोष, क्योंकि आज जो तीसरा दिन है परीक्षा का, 23 से शुरू हुआ 24 और आज 25 तारीख है, तो क्या तैयारियां नजर आ रही है, किस तरीके से एग्जाम अभी तक चल रहे हैं, अभ्यर्थी क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए लगातार आज परीक्षा का तीसरा दिन है, ऐसे में सरकार और जो प्रशासन है वो लगातार सुरक्षा के इंतजाम किए हुए है। उसमें कई तरीके की सुरक्षाएं हैं, जैसे अभ्यर्थियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि पिछले दो दिनों की परीक्षाओं में तमाम अभ्यर्थी ऐसे भी पकड़े गए हैं जिन्होंने नकल करने का प्रयास किया है। तो सरकार की मंशा साफ है कि वो किसी भी स्तर की लापरवाही न होने पाए, इसको लेकर तमाम सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, प्रशासनिक अधिकारी लगाए गए हैं। हालांकि आज तीसरे दिन की परीक्षा होनी है, अब से 15 मिनट बाद परीक्षा शुरुआत हो जाएगी पहली पाली की। अभी तक दो दिनों में तकरीबन 31% अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ भी दिया है, तो सरकार की सख्ती को देखते हुए वो लोग परीक्षा में शामिल नहीं हुए, ऐसा लोगों का मानना है जो नकल की अपेक्षा रख रहे थे। क्योंकि लगातार विपक्ष सरकार को घेरने का काम करता था परीक्षा को लेके, तो सरकार अब सख्त है। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा जो दूर दराज से अभ्यर्थी आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, उनका ठहरने का भी कई जगह इंतजाम किया गया है, चूंकि संख्या बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में अपने अभ्यर्थी देर रात पहुंचते हैं अपने केंद्र पर और उसके बाद वहां जाके परीक्षा का इंतजाम देखते हैं, क्योंकि आधे घंटे पहले उनको रिपोर्टिंग टाइम है, यानी कि 10 बजे से जो परीक्षा शुरू होनी थी तो 9:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था। तो अभ्यर्थी हजारों की संख्या में पहुंचे हुए हैं और परीक्षा अब से 15 मिनट बाद शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये केंद्र पर पहुंचते हैं तो उनके चेकिंग भी की जाती है। अभी आपने देखा हाल ही के दिनों में तमाम जिलों से ऐसी खबरें आई जहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके पहुंचा। इसके अलावा गोरखपुर में एक महिला कांस्टेबल को भी गिरफ्तार किया गया। तो किसी भी स्तर पर लापरवाही न होने पाए, उचितता के साथ परीक्षा को इस पर विशेष इस बार जोर दिया गया है। जी ठीक है आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, चेकिंग की जा रही है,